भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान विष्णु के कुल 8 पूर्ण अवतार हैं। मत्स्य मछली। हिंदू धर्म मिथक में यह कहा गया है कि पृथ्वी केवल प्राचीन जल थी, इसलिए जब विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया तो वे सत्य युग के दौरान एक जलीय रूप मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। विकास कशेरुकियों का पहला वर्ग पानी में उत्पन्न हुआ और सिलुरियन काल के दौरान विकसित हुआ। कूर्म उभयचर। हिंदू धर्म चक्र का उपयोग करने वाला कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। विकास भूमि और जल दोनों में रहने की क्षमता विकसित करने के बाद देवोनियन काल के दौरान उभयचरों का विकास हुआ था। वराह स्तनपाई। हिंदू धर्म सत्य युग से सुअर विष्णु का तीसरा अवतार है। विकास उभयचरों के बाद जंगली स्तनधारियों का विकास हुआ और यह त्रैमासिक काल में स्तनपाई की उत्पत्ति को इंगित करता है। नरसिम्हा आधा आदमी आधा जानवर। हिंदू धर्म एक मानव धड़ और निचले शरीर के साथ चेहरे और पंजे के साथ नरसिम्हा विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। विकास आधा मानव और आधा जानवर जंगली में मानव विचारों और बुद्धि के उद्भव का संकेत देते हैं। वामन लघु मानव। हिंदू धर्म वह मानव के रूप में प्रकट होने वाले पहले अवतार हैं, लेकिन बौने के रूप में दिखाई देते हैं। विकास समय से पहले इंसान। परशुराम प्रारंभिक मानव। हिंदू धर्म विष्णु का यह छठा अवतार अंतिम त्रेता और द्वापर युगों के दौरान प्रकट हुआ था। वह एक कुल्हाड़ी चलाता था और एक योद्धा था। विकास प्रारंभिक मनुष्य हथियारों का उपयोग करते हैं और जंगलों में रहते हैं। राम मानव। हिंदू धर्म रामायण के केंद्रीय व्यक्ति राम मानव के रूप में राजकुमार और बाद में अयोध्या के राजा थे। विकास सभ्यता को इंगित करता है और एक नागरिक समाज में रहने के लिए मनुष्य कैसे विकसित हुआ। कृष्ण मानव। हिंदू धर्म भगवान कृष्ण मास्टर रणनीतिकार गाय चराने वाले और योद्धा और विष्णु के 8 अवतार थे। विकास राजनीतिक रूप से उन्नत समाज में रहने वाले और पशुपालन का अभ्यास करने वाले मनुष्यों को इंगित करता है।